कल हमने 22 सिद्धांतों की चर्चा की। पहले 10 जो मूल सिद्धांत है, उसके बाद और 10 सिद्धांतों का चर्चा की, आगे और अनेक सिद्धांत चर्चा करेंगे। 44 और है, भक्ति कैसे की जाए। तो पहला हमने पढ़ा कि शरीर पर तिलक धारण करना, तो ये चिन्ह है, इसकी चर्चा कल कर ली। और ये तिलक ऐसे तिलक लगाते समय हम हरे कृष्णा जैसे चिन्ह को भी, कृष्ण के नामों का चिन्ह भी अपने शरीर पर लगा सकते। तीसरा है, अर्चा विग्रह तथा गुरु को अर्पित पुष्प एवं मालाओं का स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। माला को अपने शरीर पर परफेक्ट टाइमिंग बाय मातू। धारण यस यस। तो ये बहुत जरूरी है, ये समझेंगे। अच्छे ये जब हम हिमालय प्राप्त करते हैं तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हिमालय चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिखावा या कुछ, हम महान है ऐसा कुछ नहीं। हिमालय पहनना चाहिए, अगर हमें इसको प्राप्त होता है, माला मिल जाता है, ये हमारा भाग्य है। आपको बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। स्कंद पुराण में बताया ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की फूल माला, भगवान को अर्पित, भगवान को पहनी हुई फूल माला अगर वो प्राप्त कर सकता है, तो उनके सारे जो है पीड़ा और रोग, और सारे रोग पीड़ा और पाप कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं। और वे भौतिक जगत के दूषित अवस्था से बाहर निकल सकते। तो हम देखते हैं कि हर चीज यहाँ पे जो बताई गई, किसी न किसी तरह से भगवान के साथ संबंधित रहती है। तो अर्च विग्रह तथा गुरु के अर्पित पुष्प एवं मालाओं को स्वीकार करें और उन्हें अपने शरीर पर धारण करें। आगे बताया गया है, अर्च विग्रह की इस समय नाचना सीखे। ये कितना अच्छा है, अगर किसी को नाच गाना अच्छा लगता है, नाचना अच्छा लगता है, तो
के सामने, भगवान के सामने नाचना चाहिए। और हम देखते हैं जो मंदिर में, किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाए, खास करके आरती के समय बहुत लोग जो है नाचते, भक्त भी बहुत उत्साह से नाचते। तो ये एक आनंद का भाव है। आनंद जब भाव विभोर होकर ऐसे नाचते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए ये ऐसा ये करने से बहुत लाभ है। और हम पापों से भी मुक्त हो सकते हैं नाचने से। और नाचते हुए भी अगर हम तालियां बजाते हैं तो वो जो भाव विभोर होकर ऐसे करते हैं तो सभी, जैसे कि हम ताली बजाते हैं ना, तो जब पक्षी रहते हैं, सब पक्षी बैठे हुए हैं, ताली बजाने से क्या है, उड़ जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे पाप रूपी जो पक्षी जो है, ये सब जो है उड़ जाते हैं, जो हमारे शरीर के ऊपर बैठे हुए हैं, जब पाप रूपी जो पक्षी, तो ये लाभ है। और जैसे कि कभी शादी होती है, बारात होती है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, उछलते हैं, तो जो है दूल्हा को बहुत आनंद आता है। इसी प्रकार से भगवान को बहुत प्रसन्न, भगवान भी आनंदित होते हैं, उनको अच्छा लगता है देखने के लिए, उनके आनंद के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए हमें नाचना चाहिए। नाचने से, और हम जब हाथ ऊपर करके नाचते हैं तब तो इसका मतलब है हम पूरी तरह से शरणागत होकर, शरणागत होकर नाचते। और ऐसे हाथ ऊपर करेंगे तो भगवान जो है हमारे हाथ ऊपर, हाथ पकड़ के हमें इस भौतिक जगत से मुक्त कर लेंगे, हम इस भौतिक जगत से हमें उठा लेंगे। चौथी, चौथा हो गया ना, अर्च विग्रह के समझ नाचना चाहिए। पांचवा है अर्च विग्रह या गुरु को देखते ही नमस्कार करना। ये बहुत जरूरी है। जैसे ही हम अर्च विग्रह या गुरु को देखते हैं तो नमस्कार करना चाहिए। हमें झुकना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जो महान भक्त है उनकी भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम नीचे झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम बहुत ही नम्र है। एक ह्यूमिलिटी का एक प्रतीक है, द साइन ऑफ ह्यूमिलिटी। वैसे भी जब हम कोई वरिष्ठ जो है व्यक्ति है उनके सामने भी हम झुकते हैं, भगवान तो सबसे महान है, उनके सामने झुकना बहुत जरूरी है। उनको हमारा, हमारे सिर को हमें उनके सामने अर्पण करना है। तो
इससे क्या होता है, जो चीजें होती है कि जब हम प्रणाम करते हैं तो दो चीजें होती है, एक है संकल्प और आशीर्वाद। संकल्प और आशीर्वाद जो है प्रणाम करने से, तो संकल्प का दो अर्थ है, एक है शुभकामनाएं और एक है संकल्प, मतलब हम कुछ संकल्प लेते हैं। तो जब हम हमारे वरिष्ठ लोगों के या वरिष्ठ वैष्णव या महान भक्तों के सामने झुकते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो आशीर्वाद जो है हमें पूरी तरह से घेर लेता है, एनवेलप कर देता है वो आशीर्वाद, और उसके कारण जो उसका जो प्रभाव है वो बहुत समय तक रहता है। भगवान के अर्चित्र के सामने झुकना, जिसने एक बार भी भगवान के मंदिर में अर्च विग्रह के सामने झुका है, भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह के सामने, वो इस भौतिक जगत में नहीं वापस नहीं आएगा और वो भगवान के धाम वापस चला जाएगा। ये आगे जो है इन सब चीजें विस्तार रूप से या थोड़ा आगे उनका हर एक पॉइंट का आगे के अध्यायों में वर्णन किया गया है, हम सिर्फ शॉर्ट में ये बता रहे हैं। तो कुछ कोई लोग रहे नहीं, अटेंड करे नहीं अटेंड करे, भगवान के सामने नमस्कार या भगवान के सामने झुकना, उसका अर्थ ये है कि हम जो है जिसके सामने हम झुक रहे हैं, हम उनके आदेशों का पालन करने का जो है स्वीकार कर रहे हैं कि हम आपके शरणागत हैं और आपके आदेशों का पालन हम करेंगे। तो जब हम प्रणाम इस प्रकार करते हैं उसका अर्थ, जैसे कि जो प्रभु जी लोग हैं वो पूर्ण रूप से दंडवत करते हैं कि सारे जो अंग है वो जमीन पे टच होने चाहिए, सिर से लेकर पैर तक। तो जैसे कि सिर को, जब हम सिर को नीचे झुकाते हैं मंदिर में, तो वहाँ जो महान भक्तों के चरणों की धूल रहती है, वो चरणों की धूल जो है हमारे बालों में लगनी चाहिए, हमारे शरीर। कुछ लोग कहते हैं कितना गंदा है, कितना धूल है, कितना हमारे अच्छे अच्छे महंगे कपड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन वो क्या है, कुछ भी नहीं। भक्तों की धूल जो हमारे शरीर के ऊपर जो आ जाता वो जो है हमें बहुत ही ऊंचा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पर नमस्कार करना सीखना चाहिए। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते ही खड़े हो जाए, तो जैसे कि मंदिर में जाते खड़े हो जाए, खड़े रहना चाहिए, तुरंत बैठने का सोचना नहीं चाहिए, जैसे कि रथ यात्रा है या कुछ, तो हमें खड़े रहना चाहिए। यहाँ पे वर्णन किया आगे ये बात है, जब अच्छे विग्रह की शोभा यात्रा निकल रही हो तो भक्त को चाहिए कि तुरंत यात्रा में सम्मिलित हो जाए। यह ध्यान देने की बात है कि भारत में विष्णु मंदिरों में विशेषतः यह प्रथा है कि प्रमुख अच्छे विग्रह तो मंदिर के विशेष स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित रहता है, किंतु छोटे छोटे
अर्च विग्रहों के समूहों को सायंकाल में विहार यात्रा पर निकला निकाला जाता है। कुछ मंदिरों में बाजे बाजे गाजे के साथ सायंकाल विशाल जुलूस निकलता है, जिसमें अर्च विग्रह को ठेले पर या भक्तों द्वारा उठाए हुए पालकी में के ऊपर रखे अलंकृत सिंहासन पर बैठाकर ऊपर से एक सुंदर बड़ा छाता छतरी ताना जाता है। इस तरह अर्च विग्रह सड़क पर बाहर निकल कर पड़ोस में यात्रा करते हैं और पड़ोस के लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। पड़ोस के सारे निवासी यात्रा में पीछे पीछे चलते हैं, जिससे बहुत ही उत्तम दृश्य उपस्थित होता है। जब अर्च विग्रह बाहर निकलता है तो मंदिर के सब सेवक उनके समक्ष दैनिक आय व्यय का ब्यौरा रखते हैं, जिसमें चढ़ावा तथा खर्च का विवरण रहता है। बात यह है कि अर्च विग्रह को समूचे संस्थान न्यास का स्वामी माना जाता है और मंदिर में पुजारी तथा देखभाल करने वाले अन्य लोग अर्च विग्रह के दास माने जाते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है और आज भी इसका पालन होता है। इसलिए कहा गया है कि जब अर्च विग्रह शोभा यात्रा पर निकले तो सारे लोग उनके पीछे पीछे जाए। तो यह अर्च विग्रह हम देखते हैं, खास करके शाम के समय में भगवान को बाहर निकालते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं और अड़ोस पड़ोस के लोग जो है उनका दर्शन ले सकते हैं। ये शोभा यात्रा होती है, लोग पीछे पीछे चलते हैं, उनको प्रसाद अर्पण करते हैं लोग। बहुत अच्छा गायन बाजे वगैरह बजते हैं और ढोल बजते हैं। इस प्रकार से बहुत भव्य रूप से जो है अच्छे विग्रह बाहर निकलते। तो खास करके ये साउथ इंडिया में बहुत देखा देखने को मिलता है, भगवान को हाथी के ऊपर बैठा के उनको हर शाम ये भगवान बाहर निकलते हैं, सब लोग देखते भगवान को बहुत आनंद आता है। इस प्रकार से प्रेमयी सेवा के रूप में उनका जो है इस प्रकार सेवन किया जाता है। भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या दो बार प्रातः एवं सायंकाल विष्णु मंदिर में जाए। वृंदावन में इस प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। नगर के सारे भक्त हर सुबह शाम विभिन्न मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं। फलतः नगर भर में इन अवसरों पर काफी भीड़ रहती है। वृंदावन नगरी में लगभग 5,000 मंदिर है। निसंदेह इन सबों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कम से कम एक दर्शन ऐसे काफी बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर है जिन्हें गोस्वामियों ने स्थापित किया था और जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो रोज मंदिर में जाना चाहिए, रोज मंदिर प्रतिदिन एक बार तो भी मंदिर का दर्शन जरूरी। ये एक प्रकार एक नियम है, एक सिद्धांत है, भक्ति का पालन करने में सिद्धांत है। तो अगर मंदिर नजदीक है घर के तो जाना चाहिए। वृंदावन में तो नजदीक ही है, इसीलिए कभी कभी कुछ भक्त हैं जो मंदिर के नजदीक रहते हैं, ताकि रोज वे जो है
लिए जा सकते हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो रोज मंदिर में मंगल आरती में जाते हैं, दर्शन आरती में जाते हैं, शयन आरती में जाते हैं या संध्या आरती, कोई भी एक आरती में जाते हैं दर्शन। तो ये एक प्रकार का नियम बना देना चाहिए कि रोज किसी न किसी प्रकार से किसी भी मंदिर में, विष्णु मंदिर में जाना चाहिए। दूसरा है मंदिर के कम से कम 3 परिक्रमा की जाए, तो ये बहुत दूसरा एक चीज है। जब मंदिर में जाते हैं तो 3 परिक्रमा करना चाहिए, ये बहुत इसका फल क्या है। हर मंदिर में उनके चारों ओर कम से कम 3 बार घूमने की के लिए व्यवस्था होती रहती है। कुछ भक्त अपने व्रत के अनुसार 3 से अधिक परिक्रमा करते हैं, कभी 10 तो कभी 14 भी, 15 भी। गोस्वामी गण तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा किया करते थे, संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र में भी परिक्रमा करनी चाहिए, तो परिक्रमा मंदिर की करनी चाहिए, क्योंकि तो मंदिर की परिक्रमा करने से ये हमारे जन्म मृत्यु की परिक्रमा से हम मुक्त हो जाए, जन्म मृत्यु के जो चक्कर से ये आगे बताया जाएगा। और चतुर्मास में, अभी चतुर्मास का भी शुरू हुआ, चतुर्मास शायद जुलाई, जुलाई 3 जुलाई में चतुर्मास शुरू हुआ। अच्छा, इस बार क्योंकि पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई को है, तो चतुर्मास का पहला महीना जिसमें लिखा है हरी सब्जी पालक वगैरह वगैरह 1 महीना तक नहीं खाना है, 3 जुलाई से लेकर 18 जुलाई, 18 जुलाई को रोक देना, क्योंकि फिर पुरुषोत्तम मास शुरू होता है। पुरुषोत्तम मास में चतुर्मास का पालन नहीं किया जाता है। जब पुरुषोत्तम मास खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो गया पुरुषोत्तम मास, हाँ 16 अगस्त को पुरुषोत्तम मास कंप्लीट हो रहा है, तो फिर 17 अगस्त से फिर से पहला महीना चतुर्मास का वापस कंटिन्यू होगा, जो ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ पुरुषोत्तम मास, देन इट विल कंटिन्यू आफ्टर पुरुषोत्तम मास द फास्टिंग फ्रॉम ग्रीन, फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल। सो ये पालक वगैरह का तो पहला महीना कंटिन्यू होगा और फिर 31 अगस्त को दूसरा महीना शुरू हो जाएगा चतुर्मास का। तो ये है इस टाइम जो डिले पुरुषोत्तम मास अधिक मास के कारण। तो ये इस प्रकार से जब चतुर्मास होता है तो सबको 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए, 4 बार भगवान के मंदिर का परिक्रमण करना चाहिए। तब जब हम 4 बार करते हैं तो ये 4 परिक्रमा चतुर्मास में करने से जो करता है उसे माना जाता है कि उन्होंने पूरे जो है ब्रह्मांड यात्रा कर ली, यस ट्रैवल द होल यूनिवर्स। चतुर्मास में कोई ट्रैवल नहीं करता है, जो भक्तगण है सन्यासी है वे ट्रैवल नहीं करते, वो एक स्थान पे ही रहते हैं। तो जब ट्रैवलिंग का सभी धामों का परिक्रमा हो जाता है, 4 परिक्रमा जो विष्णु के मंदिर या भगवान कृष्ण के मंदिर को जो करता, तो ये चतुर्मास के समय में ये परिक्रमा करनी चाहिए, 3 बार रेगुलर और चतुर्मास में 4।
मंदिर में अर्च वगैरह की पूजा विधान पूर्वक की जानी चाहिए, यथा आरती करना तथा प्रसाद चढ़ाना, अर्च वगैरह का अलंकरण करना आदि, ये सब काम नियमित रूप से होने चाहिए। तो भगवान की आरती होनी चाहिए। आरती के लिए हम आरती में हमें जाना चाहिए और प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो आरती हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने खास करके हमारे मंदिर में, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ के हर मंदिर में, हमने देखा है कि प्रभुपाद जी ने बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड रखा, हाई स्टैंडर्ड रखा है अर्च वगैरह की सेवा और उनकी आरती। तो आरती के समय अनेक अनेक चीजें जो है भगवान को अर्पित किया जाता है, जैसे कि घी का दिया, धूप, कपड़ा, जल, मोर पंख, चामर, इस प्रकार से भगवान को अर्पित आरती के से। तो इसे करने से अग्नि, ये जो पंच महाभूत है, उनको भगवान को, जो भगवान का ये जैसे तेरा तुझको अर्पण, ये जो पांच पंच तत्व है, जैसे कि जल वायु वगैरह, हम आकाश, ये सब भगवान का है, उनको ही ऑफर। घी जो है, घी हमेशा, घी कुछ लोग सोचते हैं तेल, तेल नहीं होता, हमेशा घी को, घी का दिया हमें भगवान को ऑफर। भगवान को घी का जब जलता है दिया, भगवान को सुगंध जो है बहुत अच्छा लगता। और ये घी क्या है, जब वो घी का दिया होता है, आरती उतारते हैं भगवान की, तो घी प्रतीक है हमारे वासनाएं, हमारी जितने भी वासनाएं हैं वो सब जो है नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से दिया भगवान को ऑफर किया जाता है, जैसे सम्मान, जैसे कि हम देखते हैं कुछ, और कुछ लोग स्पेशल लोग आते हैं तो उनकी आरती उठाते हैं, उनको आरती, तो ये सम्मान है। और ये आरती बहुत सुंदर है। और पुजारी जो है, पुजारी जो आरती कर रहा है, वो हम हर एक जो मंदिर में खड़े हैं आरती के समय, उनका प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी वन, जितने भी लोग हैं उनकी ओर से। पुजारी जब आरती कर रहा है तो उनकी ओर से भी आरती जो है पुजारी कर रहा है। तो पुजारी रिप्रेजेंट एवरी वन इज प्रेजेंट एंड परफॉर्मिंग द आरती ऑन आवर बिहाफ, हमारे ओर से वो जो आरती। तो इसका मतलब है कि हम सब जो है भगवान को की पूजा कर रहे हैं जो आरती में खड़े हैं, और पुजारी जो है हमारी ओर से इस प्रकार से आरती करता है। और जब पुजारी आरती करता है तो वे हम सब आरती कर रहे ऐसे ही बराबर है, और हम सब जो है पुजारी के द्वारा हमारे हृदय को भगवान को अर्पित कर, वी आर ऑफरिंग अवर हार्ट्स टू द लॉर्ड थ्रू द पुजारी। ये वासनाएं भी जो बुरी दोष दूषित चीजें हैं, जब हम घी का दिया भगवान को अर्पण करते हैं तो सब ये जो वासनाएं जो है वो भस्म हो जाता है, और हमारा जो अहंकार
नष्ट हो जाता। आरती के समय हर एक आइटम जो है भगवान के सारे अंगों को अर्पित किया जाता है, उनके चरण, उनके कमर, छाती, फिर उनके मुख और फिर उनका पूरा शरीर। तो इस प्रकार से आरती करते हैं तो चरण से शुरू होते हैं, तो उनका हाईलाइट चरण हाईलाइट करते हैं, हर एक अंग का हाईलाइट होता है, अभी चरण का हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा भी जब हम देख रहे हैं आरती को से ध्यान से, चरण से लेके कमर से लेके मुख से लेके पूरे शरीर का जो है आरती उतारा जाता है, और उसको एक्चुअली कहते हैं साइलेंट ओपन आई मेडिटेशन। आंखों खुले हुए आंखों से ध्यान भगवान की आरती के समय अच्छे करते हैं, और उससे हम जो है पवित्र हो जाते हैं। प्रकार से कोई सुगंध या परफ्यूम से का स्पर्श करते हैं तो हमारे साथ रहता है। इसी प्रकार से हम जब आरती जब होने के बाद सबके सामने वो जो है लिया जाता है, तब सब लोगों को आरती दिखाई जाती है और हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं, और इस हाथ को रखकर हमारे आँखों, जैसे कि हम आरती लेते हैं, इसका अर्थ ये है कि ये प्रार्थना ये है कि जो ये रोशनी हमारी आंखों को ये रोशनी प्रदान करे ताकि हम उनको देख सकें। तो हमारी रोशनी को इस प्रकार कर दीजिए ताकि हम आध्यात्मिक जो है शक्ति प्राप्त हो सके। बाय द लाइट ऑफ द आरती वी आर प्रेइंग ऑल्सो लाइट अप माई विजन सो दैट वी गेट स्पिरिचुअली चार्ज। लाइक वी हम लोग प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ स्वामी से, ये आरती वगैरह करना चाहिए, परिक्रमा आरती करना चाहिए। आगे जो है अच्छे वगैरह की स्वयं सेवा की जाए, अच्छे वगैरह की स्वयं सेवा की। कुछ लोगों जो है उनके घर में अच्छे वगैरह रखते हैं और फिर वो कोई पेशेवर पुजारी को रखते हैं, ब्राह्मण को आके सेवा करके जाए, ऐसा नहीं। ब्राह्मण आता है, सब करता है, श्रृंगार करता है, स्नान कराता है, पूजा करता है, भोग लगाता है, अपने खुद अच्छे वगैरह रखती सेवा करनी चाहिए। आगे बताया गया है कि गायन करे, गाना चाहिए, गाना चाहिए। इससे क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो जाए। वर्णन है लिंग पुराण में कि जो भी भगवान के सामने गाता है, अभी ये इतना सुंदर सौभाग्य हम सबको प्राप्त है
ये हमारे ग्रुप के जो सर भक्त है, वो महीने में एक बार श्री राधा रास बिहारी के सामने बैठ कर गाते हैं। महत्वपूर्ण चीज हम जानते नहीं है उसका लाभ। हम आते आराम से टहलते मिलते फिर आके बैठ जाते हैं। हमें उत्साहित रहना चाहिए समय, जितना भी समय, एक तो समय इतना कम मिलता है महीने में, एक बार एक जो है दिन, और उस दिन में भी 3 घंटा, 4:30, 5:30, 6:30, 3 घंटा भी अगर हम करें तो वहाँ पे कुरान में बताया गया कि जो कोई ऐसे गाता है तो तुरंत जो है भगवान के धाम में ऊपर उठाया जाता है, वो भगवान के सामने। और भगवान ऐसे गायन को वेदों में जो अनेक अनेक प्रार्थनाएं हैं उनसे भी अधिक पसंद करते जो अनेक अनेक स्तुतियां हैं उनसे भी जो अधिक वो पसंद करते। तो ये One who constantly engages in singing the glories of the Lord is surely elevated to the same planet as the Supreme Personality of singing. Sankirtan kare, kirtan jap kare, Bhagwan ke saamne ye sab karna chahiye. Baith ke, jaise hum dekhte Mangal Aarti ke baad tab log baith jaate hain kirtan, to jap karte hain, prarthna karte, प्रसिद्ध स्तुतियाँ का पाठ करें, महाप्रसाद महाप्रसाद का ग्रहण करें, महाप्रसाद। तो ये भी एक सेवा है, सेवा है प्रसाद सेवा, मतलब एक प्रकार का सेवा है, भगवान की सेवा में से एक सेवा है प्रसाद लेना। अच्छा सेवा है तो सब लोग ये सेवा को बहुत पसंद करते, और आ देखते कब प्रसाद सेवा सेवन होगा, प्रसाद सेवन होगा। और इतनी अच्छी बात है क्योंकि ये प्रसाद जो है वो तो क्या है, डाइट और क्योर दोनों है, हमारे भवरोग को जो है क्योर कर सकते, और हमारे जो ब्रेन में फाइन टिश्यूज जो होते हैं वो जो है उनको क्लियर थिंकिंग हो जाता है, क्लियर थिंकिंग हो जाता है प्रसाद खाने से, ब्रेन के फाइनर टिश्यूज नरिश हो जाते हैं, उनको पौष्टिकता मिलती है। इसके कारण किसके लिए, हमारा जो सोच पवित्र हो जाता है, इसीलिए हम सब जो है गृहस्थ में है सबको प्रसाद खिलाओ। संडे, हाँ संडे मैं प्रोग्राम में गई थी तो वहां पे किसी ने पूछा कि घर के परिवार के लोगों को कैसे भक्ति में लाया जाए, तो प्रभु जी ने जवाब दिया उनको प्रसाद खिलाओ। प्रसाद खिलाने प्रसाद से बहुत लोग जो है भक्ति में आ गए। दो चीज है, एक प्रसाद और एक कीर्तन। अध्ययन तो बहुत कम, लेकिन अगर ये किया जाए, सर्वे लिया जाए कि कैसे आए, तो कीर्तन और प्रसाद यही आकर्षित करता है लोगों को। तो माँ प्रसाद को ग्रहण करे, चरणामृत का पान, चरना भगवान। माता जी, व्हाट इज दिस वन मस्ट रिसाइट नोटेबल प्रेयर्स, नोटेबल प्रेयर्स बिफोर दिस प्रसाद, पॉइंट 16। प्रसिद्ध स्तुतियों का पाठ करें। अच्छा।
स्तुति जो होती है ना, अनेक अनेक मल्टीपल प्रेयर्स, मतलब विच एवर आर देयर इन द शास्त्र अकॉर्डिंग टू दैट, वो जो अनेक अनेक स्तुति है ना उसका भगवान के सामने पाठ स्तुति है, जैसे कि कुंती महारानी की प्रार्थना है या गजेंद्र की स्तुति है, भीष्म की है, अनेक अनेक स्तुतियाँ हैं, ब्रह्म संहिता है, बहुत सारे ऐसे चरणामृत। चरणामृत भगवान को रोज दो है चार स्नान कराया जाता है, अनेक अनेक चीजों जैसे कि दूध, दही, शहद, घी, जल, और इसे बहुत अच्छी तरह से भगवान को स्नान किया जाता है, और सबको जब इसको जमा करके सबके बीच में मंदिरों में बांटा जाता है। कभी कभी सिर्फ जल से भी करते हैं, पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने बहुत हाई स्टैंडर्ड रखा है, इसीलिए पंचामृत से वो जो है इस्कॉन मंदिर में मिलते हैं। ये सबके बीच में बांटा जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो कभी भी दान दिया नहीं, जिसने कभी भी कोई यज्ञ नहीं किया, जिसने कभी भी वेद का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी भी भगवान की पूजा नहीं की, जिसने कभी भी कोई पुण्य कार्य किया नहीं है, वैसे व्यक्ति अगर वो चरणामृत का पान करता है तो वो भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है, भगवान के धाम में जाता है, सिर्फ चरणामृत के लिए। ये पद्म पुराण में वर्णन बहुत पावरफुल, इसको पीना बहुत जरूरी है, इसको पीना से अकाल मृत्यु मरण सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदो दकम पित्वा पूर्ण पूर्ण जन्म न विद्यते। चरणामृत कला सिर्फ भगवान के चरण शरीर स्नान किया सुंदर अमृत पान करने से पुनर्जन्म न मिलते थे, इसका चरणामृत। चरणामृत का पान करें, अर्च विग्रह पर अर्पित दूध तथा पुष्प को सूंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज, अच्छे विग्रह के सूंगना यहाँ पे वर्णन किया गया है। धूप सूंगना चाहिए, तो सुनने से इस भौतिक जगत का की जो विष में जीवन है, पॉइजनस इफेक्ट ऑफ मटेरियल लाइफ से नष्ट, जैसे कि कोई सांप सांप किसी को डसता है, किसी को सांप डसता है उसके शरीर में पूरा पॉइजन हो जाता है, बेहोश हो जाता है, पर जो जानता है उसे कैसे कि कुछ जड़ी बूटियां हैं जिसे उसको सुंगाने से वो सूंघ लेता है ना, वो जड़ी बूटियों को सूंघ लेता है तो सांप का जो डसा हुआ डंक है वो जो है नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों में अर्पित पुष्प को सूंघने से
जहरीले भौतिक जगत का जो प्रभाव है उससे हम मुक्त हो सकते। उसी प्रकार से जो भगवान को अगरबत्ती धूप वगैरह ऑफर किया जाता है, उसको उसका सुगंध जो आता है तो हमें पावन कर देता है। और तंत्र शास्त्र में कहा गया है जब ये गार्लेंड या ये माला को सूंघने से जो भगवान को अर्पित किया गया सब जो है पापों का जो बंदी बना के पाप के कारण बंदी बना के, और ये जिस प्रकार से हमारा सब ब्लॉक नाक ब्लॉक हो जाता है बिक से नेला सुनने से सब ब्लॉक दूर हो जाते हैं, इस प्रकार से सब ब्लॉक्स पापों के जो ब्लॉक है वो रिलीज हो जाते हैं सिर्फ सुनने से। और ये भगवान के चरण कमलों के जो पुष्प को सूंघने से भगवान के अर्च विग्रह को अर्पित किया माला के सूंघने से हम पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हुए हम देखते हैं चार कुमार जो है उन्होंने क्या सूंघा, भगवान के चरण कमलों की तुलसी, उनका पूरा ज्ञान, उनकी आंखें चक्षु ज्ञान चक्षु खुल गए। ये अक्ष विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करें, अभी तो इतना, लेकिन अगर घर में है एक ही जगह पंढरपुर में हमें डायरेक्ट स्पर्श करने को मिलता है वो एक अच्छी बात है। पंढरीनाथ पंढरपुर विट्ठल के चरण का अभी तक सब लोग जो है चरण स्पर्श कर सकते, अच्छे विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करें, समय समय पर आरती करें, श्रीमद् भागवत श्रीमद् भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करें, अर्च विग्रह के अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करें, अर्च विग्रह का स्मरण करें, अर्च विग्रह का ध्यान करें, स्वेच्छा से कुछ सेवा करें, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करें, और सुन भगवान को अपना मित्र समझ कर, क्योंकि सुरी दाम सर्वभूताना सुरी है तो ये हमारे मित्र है, तो ये सखा के रूप में ध्यान करें, अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करें, तीस अपने मन पसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करें, 31 कृष्ण के लिए सारे कष्ट झेलें और हर प्रयास करें, तो भगवान के लिए कष्ट झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, हर हालत में शरणागत बना रहे, तुलसी के पौधे को सींचे, ये बहुत तुलसी देवी भक्ति प्रदायिनी है और सिर्फ तुलसी देवी का स्पर्श, सिर्फ तुलसी देवी को जल देने, तुलसी देवी की परिक्रमा करने से तो हमारी जितने भी पाप है हर एक कदम जो परिक्रमा करते तुलसी देवी की हर एक
जितना भी हमारा पाप है नष्ट हो जाता है, यहाँ तक ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ा पाप। ऐसा पाप यदि हम नष्ट हो जाए तो इसीलिए यानी कानी चपापन हम रोज गाते हैं, तुलसी की आरती करते हैं, यानी तानी चरका पानी ब्रह्मा हत्या विकानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा। श्रीमती तुलसी देवी की परिक्रमा करने से प्रत्येक पद पर ब्रह्म हत्या पर्यंत सभी पापों का नाश होता है। इतने सारे अवसर दिए, इतनी सारी चीज हमें पता नहीं, हम सोचते नहीं तो हम तो कोई पाप नहीं करते, लेकिन हम जाने अनजाने में हमें पता नहीं हम कितने पाप करते। तो ये चीजें जो है हमारे हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करता है, भक्ति के लिए ये बहुत अनुकूल चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए और बहुत उत्साह पूर्वक से हमें इसको करना, हर एक कार्य जो। और एक बात निश्चित है कि अगर हम मंदिर के मॉर्निंग प्रोग्राम, इसीलिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम के ऊपर बहुत बल दिया है, और मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने से इनमें से ज्यादा जो है सिद्धांत अपने आप हो जाते हैं बिना सबसे। मैं पूछ, अगर हम मंदिर नहीं जाते मॉर्निंग प्रोग्राम घर में करना है, सब कुछ मंगल आरती से लेकर तुलसी दर्शन आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, भागवत का अध्ययन क्लास, ये सब घर में करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, उसे सब कुछ अपने आप। कुछ तो आपने अच्छा विग्रह है तो ठीक है, नहीं तो फोटो भगवान का फोटो पेपर तो आरती करो, सब कुछ हो जाए। नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम तथा ऐसे ही अन्य ग्रंथ सुने, नित्यम भागवत सेवया, ये सब हम हमारा सौभाग्य है हम कर ही रहे हैं, एक अंग है उसको मिस नहीं करना चाहिए। ऐसा सुभावना अवसर कहाँ प्राप्त होगा, हमें भागवत रोज सुनने को मिल रहा है। नियमित रूप से मथुरा वृंदावन या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में जाकर रहे, वैष्णव भक्तों का की सेवा करें, अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करें, कार्तिक मास में विशेष सेवा का प्रबंध करें, जन्माष्टमी कृष्ण के इस जगत में प्राकट्य के अवसर पर विशेष सेवा आयोजन करें, अच्छे विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जाए वह सावधानी से तथा भक्ति पूर्वक किया जाए, भक्तों के बीच में ही भागवत वाचने का आनंद उठाया जाए, बाहरी लोगों के बीच में नहीं, अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे, मथुरा की सीमा मंडल में वास करे। 44 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 74। 74 यहाँ पे हमने आज जो सिद्धांत है भक्ति के, कि भक्ति कैसे की जाए बताया गया है, इस तरह कुल लगभग 64 विधान होते हैं, किंतु जैसे कि उल्लेख किया जा चुका है इसमें प्रथम 10 ही मूल है, तो 10 प्लस 64 तो 74, फिर 10 गौण नियम है और इनमें इसके बाद अनन्य 44 कार्य है, 44 जो हमने बताया है,
इस तरह वैदी भक्ति संपन्न करने के लिए कुल मिलाकर 64 बातें हैं। इनमें से 5 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अच्छे विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन तथा मथुरा वास, ये जो है 5 बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति की इन 64 बातों में हमने मन, वाणी तथा शरीर से संबंधित सारे कार्य सम्मिलित है। जैसे कि प्रारंभ में कहा जा चुका है कि भक्ति के विधानों का आदेश है कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाए जाए। वे किसी प्रकार सेवा में लगाए जहाँ इसका वर्णन उपयुक्त 64 बातें हैं ने किया है। अब श्री रुद्र गोस्वामी विभिन्न शास्त्रों से प्रमाण देकर इनमें से अनेक बातों की प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे। तो अभी हर एक बात जो यहाँ पे बताया गया है, सब 74 का वर्णन जो है थोड़ा थोड़ा विभिन्न शास्त्रों में से प्रमाण लेकर श्री रूप गोस्वामी वर्णन करेंगे। श्री रूप गोस्वामी की जय, सत गोस्वामी जय, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आज हम इस प्रकार से ये 6 अध्याय पूर्ण करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन?